पिछले वीडियो में आपको बात करी इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में, बी वीडियो में मैं थाने पाकिस्तान की पूरी पारी के बारे में बताई ही। अगर वो वीडियो थे नहीं देखे तो ऊपर थाने आई बटन पर वो वीडियो को लिंक मिल जाएगी। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतना कर लिए, 160 रन को टारगेट मिलो। जो टारगेट टीम इंडिया ने बहुत ही छोटा लग रहे हो, लेकिन सबने पाकिस्तान की बॉलिंग पर पूरा विश्वास हो कि पाकिस्तान का बॉलर यो टारगेट इतनी आसानी से चेज को नहीं हो पाएगा। और आखिरकार भाई बात हुई, रोहित शर्मा और केएल राहुल टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। पाकिस्तान का बॉलर शुरुआत में ही आपकी दाग पूरी जमाली मैच के ऊपर, और दूसरी ओवर में नसीम शाह ने केएल राहुल को विकेट निकाल के दे दियो। केएल राहुल के आउट होने के बाद में विराट कोहली मैदान पर आया। विराट कोहली के लिए यू मैच बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला हो। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में मात्र 3 ही रन की पार्टनरशिप हुई और रोहित शर्मा भी हरीश श्रॉफ को शिकार बनकर चलते रही हो। टीम इंडिया के ओपनर को प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड कप में ही बहुत ही खराब रही हो। रोहित शर्मा का आउट होने के बाद में मैदान पर वापसी करी सूर्य कुमार यादव। अभी टाइम पर सूर्य कुमार यादव बहुत ही फॉर्म में हो और सबने उम्मीद की सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली यू मैच आराम से बचा लेंगे। और सूर्य कुमार यादव को आता ही खेल को अंदाज भी कुछ इस तरीका से रही हो। सूर्य कुमार यादव आता ही 2 चौका लगा दिया, लेकिन यह पार्टनरशिप ज्यादा लंबी कौन चली और कोहली और सूर्य कुमार यादव के बीच में मात्र 16 रन की पार्टनरशिप हुई, जिनमें से 15 रन सूर्य कुमार यादव ने बनाया। सूर्य कुमार यादव को विकेट हरीश श्रॉफ ने लियो और सूर्य कुमार यादव 6 ओवर में आउट हुए। और भी टाइम पर टीम इंडिया को स्कोर मात्र 26 रन और टीम इंडिया आपका 3 मेन विकेट गिरा चुकी। पावर प्ले में ही टीम इंडिया का 3 विकेट गिरने के बाद में टीम इंडिया की पारी पटरी से उतर गई और टीम इंडिया विकेट ने बचाने के लिए अगलो बैट्समैन अक्षर पटेल ने क्रीज पर भेजो। लेकिन अक्षर पटेल भी ज्यादा कुछ कुन कर पाए, मात्र 3 बॉल में 2 रन बना की बाबर आजम का हाथा रन आउट को शिकार हो गए। अक्षर पटेल का आउट होने तक टीम इंडिया को स्कोर 6 ओवर में मात्र 31 रन और 4 विकेट टीम इंडिया गवा दिया। पटेल का आउट होने के बाद में क्रीज पर आयो हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की जोड़ी ने इस मैच में इतिहास रच दियो। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बीच में इस मैच में 113 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसके बदौलत टीम इंडिया एक बार फिर से मैच ने पटरी पर ले आ गई। टीम इंडिया 19 ओवर तक 124 रन बना लिया और क्रीज पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या दोनों ही मौजूद हैं। लास्ट ओवर में टीम ने जीत के लिए मात्र 16 रन की जरूरत थी और बॉलिंग के लिए सामने हो मोहम्मद नवाज, तो सब दर्शकों ने लाग रही हो कि टीम इंडिया आसानी से यो रन चेज कर लेगी। लेकिन फिर लास्ट ओवर को रोमांच बहुत ही जबरदस्त रही हो। क्रिकेट के मैच में इससे जबरदस्त लास्ट ओवर शायद ही मैं कभी देखी होगा। तो लास्ट ओवर के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक थे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने लाइक कर लियो।